Hi everyone, in this video we will discuss the relations of British India with neighboring countries. India or Indian subcontinent ke neighbors par धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया था और अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। इसमें हम जानेंगे एंग्लो भूटानीज रिलेशंस को, एंग्लो नेपालीज रिलेशंस को, देन इसके बाद जानेंगे एंग्लो बर्मीज रिलेशंस को, जिसमें बर्मा वॉर हुई थी, फर्स्ट बर्मा वॉर, सेकेंड बर्मा वॉर, थर्ड बर्मा वॉर, और उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने नेबरिंग कंट्रीज़ पर अपना इन्फ्लुएंस फैलाया। तिब्बत में भी इनके रिलेशंस थे, ल्हासा में भी इनके रिलेशंस थे, और उसके बाद फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड सामने आती है इंडिया के अंदर, जो कि गवर्नर जनरल बने थे 1836 में। तो एक एक करके इन सारे राजाओं के बारे में, इन सारी टेरिटरीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम एंग्लो अफगान वॉर के बारे में भी जानेंगे और इन सब की पॉलिसीज़ को समझते हुए देखेंगे कि चीज़ें कैसे वर्क आउट कर रही थी। तो एक एक करके इन सारी बातों को समझते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे इस नए लेसन को। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो देखिए, सबसे पहले ब्रिटिशर्स जो है, इनका कैसा डिज़ायर है, मतलब इनकी मंशा क्या थी, इसको समझो। इनकी डिज़ायर थी कि भाई हम जितना हो सके एक्सपेंशन करें। ये बहुत ही इंपीरियलिस्टिक थे बाय नेचर। इंपीरियलिज्म क्या है कि आप अपने देश के फायदे के लिए दूसरी टेरिटरीज़ को एक्वायर करते हो और उसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हो। पर ब्रिटिशर्स ना सिर्फ रिसोर्सेज को यूज़ करते थे, बल्कि आप कह सकते हैं पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। और इस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने कंसोलिडेट करना शुरू किया और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा था इंडिया में और आसपास के इलाकों में। लेकिन इंडिया के जैसे अलग अलग नवाबों ने और रूलर्स ने इनसे लड़ाई लड़ी, लेकिन वो इसमें हारे। वैसे ही दूसरे भी राज्यों में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले और दूसरी कंट्रीज़ में भी नेबरिंग इंडियाज़ के जो भी पड़ोसी देश थे उनके साथ भी इनकी लड़ाई हुई। नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, हर जगह इनकी लड़ाई हुई। तो अगर हम बात करें एंग्लो भूटानीज रिलेशन की, तो भूटान जो है आप जानते हैं कि इंडिया के काफ़ी करीब है और आज हमारे भूटान से बहुत बढ़िया रिलेशंस है। लेकिन यूरोपियंस ने यहाँ पे क्या किया, यूरोपियंस जब हैं असम को अक्वायर करते हैं, तो असम के बाद इनकी नज़र भूटान पे पड़ती है। सो दी ऑक्यूपेशन ऑफ असम वॉज इन 1816, जिसके बाद ब्रिटिशर्स भूटान के एकदम बाउंड्री पर पहुंच चुके थे और अब इनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट था। जो भूटान है वो एक माउंटेन स्टेट है, बहुत छोटा सा स्टेट है, आज ये बहुत ही पीसफुल है। लेकिन 1865 में यहाँ पे चीज़ें बहुत अलग हुआ करती थी। तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया और इनके ऊपर दबाव डाला कि वो सरेंडर कर दें। तो भूटानीज वर फोर्स टू सरेंडर दी पासेस इन रिटर्न फॉर एन एनुअल सब्सिडी, मतलब हर साल आपको एक एनुअल सब्सिडी मिल जाएगी और उसके बदले आपको पासेस सरेंडर करने पड़ेंगे। और पासेस इनको क्यों चाहिए थे, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी आराम से ट्रांसपोर्टेशन कर सके और अपना जो भी रॉ मटेरियल है या लकड़ियाँ हैं, स्पेशली भूटान की जो लकड़ियाँ हैं, टिम्बर है, उसका कलेक्शन करें, यहाँ से वहाँ आने जाने में उनको दिक्कत ना हो। तो इन्होंने जो है देखा कि एक सरेंडर डिस्ट्रिक्ट था जो कि बहुत प्रोडक्टिव एरिया बन गया था और वहाँ पे इन्होंने टी गार्डन्स भी बना लिए थे। फिर धीरे धीरे ये वहाँ पे और लड़ने लगे और ज़्यादा टेरिटरी एक्वायर करने की कोशिश करने लगे। तो भूटान के साथ तो इन्हें ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, पर नेपाल में जब इन्होंने वही सेम चीज़ें करने की कोशिश की तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा बड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ा। एंग्लो नेपालीज रिलेशन की अगर हम बात करें, तो जो गोरखास थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर नेपाल पर कंट्रोल कर रहे थे और वो सक्सेसर थे रंजीत मल्ला ऑफ भटगांव के इन 1760। तो अब जो गोरखास थे, इनका अपना गोरखा रेजिमेंट भी हुआ करता था और ये अपनी डोमिनियन को एक्सपैंड करना चाह रहे थे। जब इन्होंने माउंटेन्स को क्रॉस किया और बियॉन्ड द माउंटेन्स अपने डोमिनियन को बढ़ाने की कोशिश की, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हालांकि ये उनके लिए बहुत आसान था जब वो सदर्न डायरेक्शन में बढ़े, और जब ये आगे बढ़ने लगे तो इन्होंने सदर्न एरिया के काफ़ी टेरिटरीज को जीता भी। लेकिन जब वो नॉर्थ में गए तो वहाँ पर इन्हें चाइनीज़ आर्मी के साथ डिफेंस देखना पड़ा और चाइनीज़ आर्मी के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन 1801 तक आते आते आप जानते ही हैं कि इंग्लिश ने गोरखपुर को एनेक्स कर लिया था और उसके बाद जो गोरखास थे उनकी बाउंड्री पूरी कंपनी की बाउंड्री के साथ मिल चुकी थी। तो अब क्या होता है, बाउंड्री डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ से टेरिटरी को एक्सपैंड करने की तैयारी चल रही थी। तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों शुरू हुआ, जब गोरखास ने बटवाल का और शिवराज का इलाका लॉर्ड हास्टिंग के समय में अक्वायर किया। तो गोरखास ने जब कैप्चर किया बटवाल और शिवराज को, तो उस समय में लॉर्ड हार्डिंग थे लॉर्ड हास्टिंग थे,
और वो जो है 1813 से 23 के बीच में रूल कर रहे थे यहाँ पे। तो अब जब लड़ाइयाँ शुरू हुई तो काफ़ी लंबी लड़ाई हुई, फिर वॉर एंड हुई और एक ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई 1816 में। ये जब ट्रीटी हुई तो इसके अंदर ब्रिटिशर्स को बहुत फ़ायदा हुआ, इट वॉज़ इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ट्रीटी में सबसे पहले तो नेपाल ने ब्रिटिश के रेजिडेंट को एक्सेप्ट किया अपने अंदर, अपने कोर्ट में, और अब ये रेजिडेंट एक एजेंट की तरह ब्रिटिशर्स के लिए काम करने वाला है। फिर नेपाल ने जो डिस्ट्रिक्ट थे गढ़वाल और कुमाऊँ के, वो भी दे दिए, और तराई के इलाके में भी अपने क्लेम्स को ख़त्म कर दिया। फिर वो सिक्किम से भी चले गए। फिर इस अग्रीमेंट के वजह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो अब वो हिमालय तक पहुंच चुके हैं और अब इनके लिए ट्रेड करना और आसान हो जाएगा सेंट्रल एशिया के साथ, क्योंकि कई सारे पासेज वहाँ से गुजरते थे। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन थे जैसे शिमला का, मसूरी का और नैनीताल का इलाका, वो भी इन्हें मिल गया। साथ ही गोरखास ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन भी किया और काफ़ी हद तक उसे सपोर्ट किया। इसके अलावा अगर बर्मा के साथ इनके रिलेशंस की बात करें तो वो बहुत अच्छे नहीं थे, और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई ब्रिटिशर्स को। एंग्लो बर्मीज रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी बर्मा वॉज अ फ्री कंट्री। ठीक है, पहले बर्मा एक बिल्कुल फ्री कंट्री थी और ये वेस्ट वर्ल्ड एक्सपैंड करना चाह रही थी। तो जब इन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू किया तो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हुई, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज बर्मा में थे और ब्रिटिशर्स का लालच ये था कि हम बर्मा के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्वायर करें, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये लोग टिम्बर के पीछे पड़े रहते थे, यानी लकड़ियों का बड़ा शौक था और लकड़ियाँ रेलवे लाइन्स के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, नेवी के लिए हर जगह यूज़ होती हैं। तो इनकी एक अर्ज थी कि हम और ज़्यादा एक्सपेंशन करें और जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं बर्मा के उसको एक्वायर करें। तो ये जो चीज़ सोच रहे थे ब्रिटिशर्स, इसके वजह से ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स का जो मार्केट था वो बर्मा में कोशिश कर रहा था कि वो उसे एक्वायर करे। लेकिन जिस तरीके से ब्रिटिशर्स बर्मा को लेकर के लालची हुए पड़े थे, बिल्कुल वैसा ही फ्रेंच का भी एम्बिशन था। फ्रांस भी बर्मा में वही काम कर रहा था और पूरा रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया जो था वहाँ पर भी फ्रांस ने इस तरीके से एम्बिशन पर काम करना शुरू किया था, जिसके कारण 3 एंग्लो बर्मीज वॉर हुए और लास्ट में आप देखते हैं कि बर्मा का एनेक्सेशन हो गया था इनटू द ब्रिटिश इंडिया इन 1885। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट स्टार्टेड, हाउ द थिंग्स वर गोइंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट बर्मा वॉर के बारे में, जो कि 1824 से 26 के बीच में हुआ था। जो पहली वॉर थी विद बर्मा, वो लड़ाई हुई थी व्हेन द बर्मीज एक्सपेंशन वेस्टवर्ड एंड ऑक्यूपेशन ऑफ अराकन एंड मणिपुर यूज टू बी देयर, और जो थ्रेट था वो असम में भी था और भरतपुर वैली में भी था। तो लड़ाई इसलिए हो रही थी क्योंकि जो बर्मीज एक्सपेंशन था वो बढ़ने लगा। सबसे पहले मतलब पहला स्टेप बर्मा ने ही लिया, तो उन्होंने क्या किया ना, अराकन और मणिपुर का इलाका लिया। अब ये जो इलाके थे ऑलरेडी मतलब ब्रिटिशर्स इसको अपने अंडर मानते थे, और जब असम के पास वो लोग पहुंचे तो ब्रिटिशर्स को और बुरा लगने लग गया कि कहीं ये लोग मतलब इतने तेज़ी से ना आ जाएं। और बर्मा के सिपाही बड़े तेज़ हुआ करते थे और ये बात ब्रिटिशर्स जानते थे। तो जब ये लोग ब्रह्मपुत्रा वैली तक पहुंचे तो कंटिन्यूस फ्रिक्शन शुरू हो गया और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई बॉर्डर नहीं था। इल डिफाइंड बॉर्डर है बंगाल और बर्मा के बीच में, और वहाँ पे नदियों को यू नो मानते हुए वो लोग जो है नदी के किनारों के हिसाब से एक तरीके से टेरिटरी को माने हुए थे। तो आप कह सकते हैं कुछ चीज़ें ना अज्यूम कर ली गई थी, और जहाँ पे चीज़ें अज्यूम कर ली जाती हैं वहाँ पे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स होने के चांसेस होते हैं। तो 19th सेंचुरी के ओपनिंग डिकेड्स में ही ये चीज़ें चल रही थी। अब जब ब्रिटिशर्स ने अपने एक्सपेंशंस को शुरू किया तो इनकी जो फोर्सेस हैं उन्होंने सबसे पहले रंगून को एक्वायर किया और मई 1824 में इसको ऑक्यूपाई कर लिया, और फिर 72 किलोमीटर्स ऑफ द कैपिटल एट आवा ये लोग पहुंच चुके थे। फिर जब बर्मा को समझ में आ गया कि वो नहीं लड़ पाएंगे तो उन्होंने शांति समझौता किया और एक पीस ट्रीटी साइन कर ली 1826 में, जिसे ट्रीटी ऑफ यानडोबा कहते हैं। इसके द्वारा बर्मा की गवर्नमेंट ने कहा कि हम 1 करोड़ रुपीस का वॉर कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं, साथ ही हम जो भी कोस्टल प्रोविंसेस है अराकन के और तेनासिरम के वो भी दे देंगे, हम असम, कच्छर और जयंतिया से भी चले जाएंगे, हम मणिपुर को इंडिपेंडेंट स्टेट मानेंगे, और हम कॉमर्शियल ट्रीटी ब्रिटेन के साथ करेंगे, साथ ही ब्रिटिश रेजिडेंट आवा में रहेंगे, आवा जो कि इनकी कैपिटल थी, और बर्मीज एनवॉय जो है वो कैलकटा में जाएंगे, क्योंकि कैलकटा वॉज द ब्रिटिश कैपिटल दैट टाइम।
पहले कैलकटा ही कैपिटल थी, बाद में यू नो दिल्ली में शिफ्ट हुई थी कैपिटल, लेकिन पहले कैलकटा ही कैपिटल थी। तो उन्होंने बोला कि हम जो है अपने राजदूत को आपके पास भेजेंगे और आपका जो ब्रिटिश रेजिडेंट है हमारे कोर्ट में रहेगा। तो ऐसे करके बर्मा ने सेटलमेंट कर लिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि वो लड़ तो पाएंगे नहीं। फिर क्या हुआ कि जब चीज़ें और ख़राब हुई, तो वो था सेकेंड बर्मा वॉर का समय 1852 में। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की कमर्शियल नीड्स बढ़ रही थी और जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ थी लॉर्ड डलहौजी की, वो तो आप जानते ही हैं कैसे इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा कितने सारे इंडियन स्टेट्स को अक्वायर किया था, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द लास्ट वीडियो। तो सेकेंड बर्मा वॉर जो है 1852 में शुरू हुई, और ये जो सेकेंड वॉर थी ये रिजल्ट था ऑफ ब्रिटिश कमर्शियल नीड और उनकी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। तो ब्रिटिश जो मर्चेंट्स थे ना, वो चाहते थे कि किसी भी तरह से बर्मा के जंगल उनके हाथ में आ जाए, क्योंकि जंगलों की जो लकड़ी है, टिम्बर है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। अब टिम्बर रिसोर्सेज को एक्वायर करना चाहते थे वो अपर बर्मा में, और साथ ही उनको लगता था कि अगर बर्मीज मार्केट तक पहुंचना है तो वहाँ पर इन्हें रोड्स जो है वहाँ के एक्वायर करने पड़ेंगे, जो रोड है, जो रास्ते हैं बर्मा की मार्केट तक जाते हैं। तो इस समय तक आते आते ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस वैसे भी काफ़ी तेज़ हो चुका था, और उन्होंने पेगू को भी एक्वायर कर लिया था, और जो एक यू नो पेगू ही था जो ओनली रिमेनिंग कोस्टल प्रोविंस था बर्मा का, वो भी ब्रिटिशर्स के पास था। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और गुरिला रेजिस्टेंस उन्हें देखने को मिला, क्योंकि गुरिला रेजिस्टेंस में क्या होता है ना, लड़ाई में कुछ ग्रुप्स आपके ऊपर कई साइड से अटैक कर देते, कभी पीछे से अटैक कर देते हैं, और जंगलों में ये लड़ाई होती है। स्पेशली मराठास भी इस लड़ाई में काफ़ी यू नो अच्छे थे, और उनको भी इस चीज़ के बारे में पता था, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी यू नो मारा पीटा था। तो इन दी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, और यही सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई। तो गुरिला रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन किसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने इसको ओवरकम किया, और फिर ब्रिटिश कंट्रोल ने पूरा लोअर बर्मा कंट्रोल किया, और उस तरीके से पूरा बर्मा इनका लोअर इलाका इनके अंदर आ गया। फिर थर्ड बर्मा वॉर हुई, क्योंकि उस समय हुआ ये कि 1885 में जो है अब कोई यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, बिकॉज जो बर्मीज किंग थे भिंडन, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और उनका जो बेटा था थिबाओ, वो अब उनकी गद्दी पर बैठा था। हालांकि जो थिबाओ था वो मतलब शुरू से ही शक की नज़र से देखता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उनको पता था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स बहुत बुरे हैं और वो लालची हैं, वो बर्मा के ऊपर, बर्मा के जंगलों को, बर्मा के रिसोर्सेज को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रिटिश मर्चेंट्स जो रंगून में रहा करते थे और जो लोअर बर्मा में थे, वो पहले से काफ़ी स्ट्रांग थे। अब उनको क्या था ना कि उनको थिबाओ से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर थिबाओ क्या है, बहुत सारे टैक्सेशन पॉलिसीज़ और बहुत सारी अलग अलग तरीके की यू नो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। तो उन्होंने कंप्लेन करना शुरू किया कि उनके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है, थिबाओ जो है उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हु हैड ऑल्सो बीन नेगोशिएटिंग कॉमर्शियल ट्रीटीज़ विद द राइवल पावर्स ऑफ फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। तो आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अरे हम जो है बर्मा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो बर्मा के राजा हैं थिबाओ, वो फ्रांस, जर्मनी और इटली के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे हाथ से बर्मा निकल जाए और हमारे जो राइवल्स हैं, दूसरे यूरोपियन पावर्स हैं, वो इसको कब्जा कर लें, और ये बहुत ही रिसोर्सफुल इलाका था, तो किसी भी हाल में ब्रिटिशर्स इसको छोड़ना तो चाहते नहीं थे। तो अब उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। तो फ्रेंच ने भी काफ़ी अच्छा प्लान किया था, और यहाँ पे रेलवे लिंक्स यहाँ पे इन्होंने ना शुरू कर दिए थे। तो ये मंडाले से लेकर फ्रांस तक यू नो फ्रेंच टेरिटरी जो थी वहाँ पे एट दैट टाइम, वहाँ तक ये कोशिश कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे एक पूरा एक प्लान करके रेलवे लाइन शुरू करेंगे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स कॉन्फ्लिक्ट में आए फ्रेंच के साथ, तो वो नाइजर में, इजिप्ट में और मदगस्कर में लड़ रहे थे। तो इसीलिए फ्रांस ने उनको और तंग करना शुरू किया। आखिर एक ह्यूमिलेटिंग फाइन इम्पोज किया गया था ऑन अ ब्रिटिश टिम्बर कंपनी बाय थिबाओ, और ये जो फाइन लगाया गया था, तो इससे थिबाओ के खिलाफ ब्रिटिशर्स की आर्मी हो गई, और फिर डफरिन ने ऑर्डर किया कि हमें इन्वेशन करना होगा, फाइनल एनेक्सेशन हमें अपर बर्मा का करना ही होगा, और 1885 में ऐसा कर लिया गया। हालांकि बहुत लंबी लड़ाई हुई, बहुत बुरी और बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग गुरिला अपराइजिंग्स को फेस करना पड़ा, और पूरे बर्मा में लड़ाई हुई, लेकिन नेशनलिस्ट मूवमेंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुए, फिर बर्मीज नेशनलिस्ट ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए, और आखिर उसके बाद जो है ना इनकी इंडिपेंडेंस हो जाती है। तो जो वीकेंड लिंक थे वो थे कि बर्मा जो है वो थोड़ा इंडिया से सेपरेट था 1935 में, और जो बर्मीज नेशनलिस्ट मूवमेंट थे वो ज़्यादा इंटेंसीफाई हुए ऊ सांग यू आंग सान के अंतर्गत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग, और फाइनली उन्होंने फिर इसको इंडिपेंडेंट कर दिया था। तो बर्मा की इंडिपेंडेंस 4 जनवरी 1948 को ही आ गई थी, और उसके बाद फिर ये तभी से इंडिपेंडेंट है और अपना आगे काम कर रहा है। आपने सुना ही होगा इनके जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है आंग सान सू काई,
उनका भी यहाँ पे यू नो काफ़ी अच्छा एक पॉपुलैरिटी देखने को मिलती है। फिर बर्मा में काफ़ी समय बाद डेमोक्रेसी आ गई और अब तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है और बहुत पीसफुल तरीके से काम चल रहा है। तो ये था बर्मा के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे तिब्बत के बारे में और एंग्लो तिब्बतन रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। कोई भी अगर आपके मन में यू नो डिस्कस करना है, कुछ भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि इस साल कई सारे लर्नर्स ने अनअकैडमी के द्वारा एग्जाम को क्रैक किया है और आप भी इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आर न्यू बैचेस, जो कि शुरू हो रहे 29th ऑफ दिसंबर को हिंदी और इंग्लिश में, और ये कॉम्प्रीहेंसिव बैचेस ऑप्शनल बैचेस के साथ आ रहे हैं। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड टॉप 10 के कोड से आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और इसमें आपको 55,523 रुपीज में ही GS और ऑप्शनल का पूरा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। और UPSC CSE कॉम्बैट हर संडे 11 बजे होता है, जो कि 26 और 2 जनवरी को होगा। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज मुरनाल्स मंडे, हर जो मंडे है उसमें 8 PM होगा। देन T20 डेली करंट अफेयर 7:30 PM मंडे टू फ्राइडे हो रहा है, और अभियान डेली स्टैटिक क्विज मंडे टू फ्राइडे 10 AM हो रहा है। इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं और लोन भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।